हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर भी मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो ये पापा के वहाँ से है ना नान खटाई, ये मेथी है। हमारे में गुजराती लोग में ना मेथी अड़दिया ऐसा ठंडी में है ना बनाते हैं, तो ये अड़दिया है। जो ये सारी चीज़ें ना पापा ने वहाँ से डब्बे में पैक कर करके मेरे लिए भेजी थी। और ये थैली में ना वाल है और ये मिर्चियाँ हैं जो तीखी नहीं होती है। इसके भजिए, ये भरवा मिर्च बना के ना इसे खाते बहुत अच्छी लगती है। और साथ में नींबू भी आए थे। तो ये सारे पापा लोग गाँव गए थे ना, तो आते वक्त ये सारा कुछ लेके आए थे। तो मैंने कुछ थैली में रखा, कुछ डब्बे में पैक कर दिया। और ये हरी वाली मेरी चाय है जो मैं हर वक्त पीती रहती हूँ। तो ये सारा पापा के वहाँ से आया है। और पापा के वहाँ से आता है ना तो वो मतलब खा वो देख के ये ना आँख भर जाती है, क्योंकि मिलना होता नहीं है। और वहाँ से जब ये ऐसी चीज़ें आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हाथ में जब फ़ोन आईना होता है ना तो मैं अपने आप को देखती रहती हूँ। और यहाँ पर बेटी है ना, जो हमारी मिर्ची का पौधा है उसमें कीड़े लग गए थे, तो हल्दी अभी लगा रही है ताकि सारे कीड़े है ना जो मर जाए। अभी शाम हो चुकी है, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज खाने में मैं बना रही हूँ लौकी और मटर की सब्जी, और साथ में दो गाजर रखे थे तो सोच रही हूँ उसे भी डाल दूँ। मिर्चियाँ भी है तो उसे भी भून के खाने में लेना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये हरी मिर्चियाँ जो भून के खाते हैं ना उससे भी स्वाद बढ़ जाता है। और इसमें आलू तो होते ही है। और सारी सब्जियों को मिक्स करके मैं अभी मिक्स एक सब्जी बहुत बढ़िया वाली बना लेती हूँ। और सब्जियाँ बहुत अच्छी आ रही है ना, तो इससे ना सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अभी सब्जी बना लेते हैं। कुकर में तेल लिया है, राई डाल दी है, लहसुन की पेस्ट डाल दी है, हल्दी नमक जो मसाले हमारे रूटीन के होते हैं ना, लाल मिर्च पाउडर, वो सारे डाल के सब्जी को डाल दिया है। और अभी सब्जी को मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। सब्जी को ना इस तरीके से भूनने से ना इसका पानी तो जल जाता है लेकिन स्वाद में भी बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आना लगता है। और अभी यहाँ पर नमक, चीनी और थोड़ा सा गरम मसाला, मूंगफली का पाउडर, पानी सब डाल के इसे अच्छे से मैं मिक्स करके फिर तीन विसल होने तक इसे पकने के लिए रख दूंगी। और ये सब्जी में पानी थोड़ा सा कम ही डालिएगा, नहीं तो लौकी में से अगर पानी छूटता है ना तो फिर बहुत ही रस्से वाली सब्जी बन जाएगी। तो अभी मैं आपको सीधा मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। सुबह के 6:15 बजे है। वैसे तो मेरा मॉर्निंग 5:15 से ही हो जाता है, लेकिन ठंडी में है ना बाहर जल्दी से उजाला होता नहीं है, और थोड़े गर्मी वाले दिन आते हैं ना तो अभी उजाला भी हो जाता है। तो अभी देखिए मैं एक जो रुमाल कंधे पे डाल के यहाँ पर मसाले वाली रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ जब भी मैं धोती हूँ तो तुरंत मुझे हाथ पोछने चाहिए। तो ऐसे रुमाल मैं अपने कंधे पर रखती हूँ। यहाँ पर मसाले वाली रोटी तैयार है, सभी का सुबह सुबह नाश्ता मैंने बना लिया था। और सुबह जैसे ही किचन में पैर रखो ना बर्तनों का ढेर लग ही जाता है। तो सारा किचन साफ कर दिया है और अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद पोछा कर दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह अंधेरा होता है तो लाइट चालू करके ये सारा काम करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर मूंग को और उसको भून के मैं नाश्ता कर लूँगी। फिर से मिलती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा।